जनक के मन की बात जान अनिरुद्ध ने उठाया बड़ा कदम और अर्शी से शादी करने के लिए किया इनकार। अर्शी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सीरियल जनक की आगे की स्टोरी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, जहां पर आपको देखने को मिलने वाला है कि यहां पर अर्शी और अनिरुद्ध के परिवार वालों को पता चल चुका है कि अनिरुद्ध ने जनक की शादी को तोड़ दिया है। ये सुनकर जो है दोनों परिवार वाले प्लान बनाते हैं कि हमें जल्द से जल्द जो है अर्शी और अनिरुद्ध की शादी करनी होगी और वो भी हम वहाँ श्रीनगर के मंदिर में कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर अनिरुद्ध को भी पता चल चुका है कि अर्शी के परिवार वाले यहाँ पर आ रहे हैं और वो मंदिर में ही शादी करवाने वाले हैं। तो इसके बाद जो दोस्तों मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं अनिरुद्ध और अर्शी की शादी करने। दोस्तों यहाँ पर अनिरुद्ध और अर्शी की शादी के एन मौके पर जो है अनिरुद्ध को पता चल जाता है कि जनक भी जो है अनिरुद्ध से ही प्यार करती है। अनिरुद्ध को ये बात भी पता चल जाती है कि जनक राहुल से प्यार नहीं करती और सिर्फ अनिरुद्ध से ही प्यार करती है। दोस्तों अनिरुद्ध को ये सारी सच्चाई पता चलने के बाद वो मेन मौके पर जो है अर्शी से शादी करने के लिए मना कर देता है और वो सबके सामने अर्शी से बोल देता है कि मैं अर्शी तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ जनक से प्यार करता हूँ और जनक और मेरी पहली भी शादी हो चुकी है और मैं उस शादी को दिल से मानता हूँ और हमारी शादी भी इसी मंडप में हुई थी और वो पूरे रस्मों रिवाज के साथ हुई थी और आखिरकार मुझे रियलाइज हो चुका है कि जनक मेरी पत्नी है। ये सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद सृष्टि जो है यहाँ पर अनिरुद्ध से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इतना बड़ा धोखा देने को, और अगर तुमने अभी मेरी बेटी के साथ शादी नहीं की तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी और याद रखना मैं तुम्हें किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद यहाँ पर अनिरुद्ध जो है अर्शी को समझाने लगता है कि देखो हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और अनिरुद्ध यहाँ पर अर्शी से कहता है कि मेरा यकीन मानो तुम्हें मुझसे भी बेहतर कोई इंसान मिल जाएगा जो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा। अर्शी को रोता देख यहाँ पर जनक जो है अर्शी को सपोर्ट करेंगी और यहाँ पर अनिरुद्ध से कह देंगी कि सर जी आप क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपसे प्यार नहीं करती, आपको कोई गलत फहमी हुई है और आप यहाँ पर अर्शी दी की जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते और आपको यहाँ पर अर्शी दी से ही शादी करनी होगी। और दोस्तों यहाँ पर अनिरुद्ध इस वक्त किसी की भी नहीं सुनता क्योंकि उसने अब पक्का फैसला कर लिया है जनक के साथ रहने का। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है, यहाँ पर अनिरुद्ध के प्यार को समझ पाएंगी जनक या फिर हो जाएंगी अर्शी और अनिरुद्ध की शादी? आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताना।